नमस्कार मेरे भाई बहनों और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर दबाए और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। विजय मल्ल्या है, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज तक भारत सरकार उसको पकड़ नहीं पा रहा है। उसका जो ताकत है वो क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा। भारत को विजय मल्ल्या की ज़रूरत है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। वो कभी इंग्लैंड में रहता है, कभी अमेरिके में जाता है, कभी अदर कंट्री में जाता है, वो घूमता रहता है, लेकिन भारत के पकड़ में नहीं आ रहा है वो। क्योंकि उसका जब कारोबार चलता था, वो कारोबार उसका बहुत ये जो मद्य के व्यापार करता था, ये जो बहुत बड़ा कारोबार बढ़ाया था, और उसका वो उसका विमान का कंपनी था, एयरवेज का कंपनी था, वो उसमें भी बहुत उसने कमाया है, और कमा के भी, और जो कर्जा लेके रखा है बैंकों से, राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे और ऐसे कुछ बहुत से बैंक होंगे, लेकिन अपना जो सरकार है उसको पकड़ नहीं पा रहा है। इतना पैसा लेके गया, वो उस पैसे से हमारे देश का किसानों का सब कर्जा नील हो जाएगा, इतना उनके पास पैसा है। तो वो कर्जा है, उसकी प्रॉपर्टी बेच के वो सरकार ने लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे। ये राजनीतिक लोगों की कमजोरी है या इसका विजय मल्ल्या की ताकत है, ये समझ आने में थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन कुछ समय में ये इसका पूरा रहस्य ओपन हो जाएगा। तो विजय मल्ल्या को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि देश का जो पैसा है, वाइट मनी है देश का, वो लेके भाग गया, और इसका जो लोगों का विकास के लिए उसका जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो रहा है, और उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में होना चाहिए। तो विजय मल्ल्या वो न्यूज़ पर देखते हैं, और वो न्यूज़ पे कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये सब देखते भी विजय मल्ल्या को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अजीब लगता है, हम जैसे लोगों को अजीब लगते हैं कि विजय मल्ल्या क्यों क्यों नहीं पकड़ आ रहे, क्योंकि इसकी ताकत क्या है, उसकी वजह तो समझनी चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो ये जो सरकार है वो ये कुछ करेगी ऐसी उम्मीद तो है, लेकिन अभी इतनी साल हो गया, लेकिन देख के तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ अच्छा होगा। तो विजय मल्ल्या जो है, उसका कारोबार अभी भारत में है, लेकिन उसका टोटल सील करना चाहिए, और उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहिए, और सरकार में जमा करना चाहिए। सर धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो। धन्यवाद।